नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बोकारो रामगढ़ हाईवे में शुक्रवार रात अनियंत्रित कार ने पैदल चल रहे चार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। उनमें से एक युवक कार के अगले हिस्से में फंस गया। कार चालक भागने के चक्कर में फंसे युवक को 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। 2 किलोमीटर बाद हाईवे से सेक्टर 12D जाने वाली सड़क में एक गड्ढे में युवक कार की बॉडी से बाहर निकल पाया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कार चालक गाड़ी समेत फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद सेक्टर 12 इंस्पेक्टर जय गोविंद प्रसाद गुप्ता टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को उठाकर मोर्चरी में रखवाया गया है। इधर हादसे में जख्मी एक युवक को सेक्टर 12 में पिंडरा जोरा पुलिस की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 युवक को आंशिक जख्म आया है। सेक्टर 12 पुलिस के अनुसार चारों मित्र पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो हाईवे में पैदल चलकर घर जा रहे थे। इस बीच ITI मोड़ से बालीडीह की ओर जा रही अज्ञात अनियंत्रित कार ने रौंद दिया। पुलिस मृतक व जख्मी की पहचान के प्रयास में लगी हुई है। आज करीब 9 बजे सब्जी मंडी में कुछ लोग सब्जी खरीद रहे थे, बेच रहे थे। उन लोगों से सूचना मिली कि एक कार वाला में कार वाला के चक्का में फंसा हुआ बडी आ रहा है और वो यहाँ पर आकर ब्रेक लिया, बडी गिर गया, उसके बाद कार लेकर के तेजी से भाग गया। उजला रंग का कार लोग बता रहा है, उसी से कहीं एक्सीडेंट किया था और घसीटते हुए ला रहा था। और उधर पिपरा टाड़ के सामने NH पर एक एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर भी एक लड़का इंजर्ड है। तो पिपरा टाड़ पिंडराजोरा थाना में पड़ता है, लेकिन 12 थाना की पुलिस उसको एक्सीडेंट जिसको हुआ उसको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया है। और उसमें 3-4 लड़का का ग्रुप था जैसा पता चला है। 2 लड़का नदी में शौचालय के लिए गए हुए थे, 2 रोड पर थे, एक उसमें इंजर्ड है। और ज़्यादा संदेह है कि उसी एक लड़का को कार में फंस जाने के कारण यहाँ कार लान करके गिराया और कार लेकर के भाग गया है। कार का नंबर सामने नहीं आया है, लेकिन उजला रंग का कार था। CCTV फुटेज में एक कार को जाते हुए 8:58 में दिखा गया, 8:59 में। तो ज़्यादा संभावना है कि वही उसमें से एक लड़का जो गायब है उसका नाम लखिंदर बेसरा है। लखिंदर बेसरा का ही शव होना चाहिए, इसे हम लोग सत्यापित कर अपने स्तर से कर रहे हैं। अभी तत्काल बॉडी को मर्चरी में रखवा रहे हैं, पिंडराजा थाना को सूचित कर दिए हैं। पिंडराजा थाना की पुलिस आ गया है और एक्सीडेंट का केस किया जाएगा, पिंडराजा थाना में होगा। अज्ञात उजला कार चालक पर मामला दर्ज किया जाएगा।